छूटे जो अधूरा ही प्यार, सांसे लेना है दुश्वार, गर्मिया है सालीवार, बातें हैं सभी बेकार। क्या सोचा है आगे क्या करना है? करना क्या है, लौट चलेंगे दिल्ली। और क्या क्या, वो भी तो यही चाहती है ना। अबे तू जानता है वो ऐसा क्यों बोल रही है? अबे लड़कियां ऐसी होती हैं यार, घर वालों ने डराया होगा, धमकाया होगा, उससे कहा होगा कि तुझे जान से मार देंगे, इस वजह से वो ऐसा बोल रही है। तू उसकी बात को इतना सीरियस क्यों ले रहा है? अरे तो क्या करूं, पता नहीं यार क्या करना है, लेकिन जो भी करना है तुझे ही करना है। समझ में भी तो आए ना यार कि करना क्या है। एक काम कर, देख अगर वो तेरे साथ नहीं आना चाहती है तो उसे उठा कर ले जा। इसे अगवा करना कहते हैं, अबडक्शन। तो उसमें क्या है, तुझे क्या लगता है मैं ये नहीं कर सकता था? मैं श्रुति से बहुत प्यार करता हूँ, उससे ज्यादा उसकी इज्जत करता हूँ। मैं ऐसी हरकत तभी करूंगा जब श्रुति खुद मुझसे कहेगी। वैसे बहुत बड़े आदर्शवादी हो ना तुम, चिंता मत कर। तो भैया आदर्शवादी क्या सोचा आपने? देख जो तू कह रहा है वो तो मैं करूंगा नहीं, लेकिन श्रुति फिर भी मेरे साथ ही जाएगी। क्या, कैसे? कल मैं उसे कहने गया था कि मेरे साथ भाग चले, आज मैं उसे कहने जाऊंगा कि मेरे साथ भागे नहीं बल्कि मेरे जिंदगी का हिस्सा बन जाए। मतलब तू उसे प्रपोज करने वाला है? बस उसे इतना समझाने वाला हूं कि मैं सारी जिंदगी उसके नखरे सहने के लिए तैयार हूं, और अगर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे साथ आएगी तो मैं उसे बहुत प्यार करूंगा। मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, उसे दुनिया की सारी खुशी दूंगा। मतलब तू उसे प्रपोज करने वाला है? अगर इसका मतलब यही है तो यही सही, और वो भी तो यही चाहती थी ना यार। बस मैं ही इस ख्याल से डरता था, जो कुछ भी मैंने बचपन में देखा है वो मेरे अंदर एक डर सा बन के रह गया। और कल रात मुझे एहसास हुआ अगर मैं श्रुति को पाना चाहता हूँ तो मुझे अपने इस डर को मिटाना होगा, और मैंने इस डर को मिटा दिया। और मैं जानता हूँ अगर मैं श्रुति को ये सब कहूँ ना तो वो मेरे साथ जरूर आएगी। तू उसके हॉस्टल का नंबर लाया? हाँ, वो फोन में फीड है। हेलो जी, मैं श्रुति शिकावत से बात करना चाहता हूँ, दिल्ली से फोन करा। हेलो। हाय श्रुति। हाय, कैसी हो तुम? तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो,
कुणाल को पता चल गया कि तुम मुंबई में हो। देखो मैं दिल्ली से यहाँ तक कुणाल से डरने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे लिए आया। एक आखिरी बार मुझसे मिलो, मैं आज रात तुम्हारे हॉस्टल कंपाउंड में आऊंगा ठीक 11 बजे। तुम नहीं आओगे, सारी सिक्योरिटी अलर्ट है। सबको पता चल गया कि वो दो लड़के जो इलेक्ट्रिशियन बनकर आए थे जरूर किसी से मिलने आए थे। प्लीज शुक्रिया, आखिरी 11 बजे।